नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं अपने आप को खड़ा पाती हूं नताशा नरवाल के साथ, पिंजरा तोड़ की एक्टिविस्ट नताशा के साथ, जो बहुत दिनों से संघर्ष कर रही हैं इंसाफ के लिए, और सलाम पेश करती हूं उनके पिता महावीर नरवाल को कि उन्होंने ऐसी बहादुर बेटी को तैयार किया। उनके पिता पिछले दिनों कोविड से गुजर गए और ठीक उसके बाद हमारे पास दोबारा आया उनका इंटरव्यू जो उन्होंने नवंबर में दिया था। वह इंटरव्यू तमाम भारतीय नागरिकों को देखना चाहिए, तमाम पिताओं को देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि एक पिता किस तरह से सपना देख सकता है कि उसकी बेटी बहादुरी के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़े, उसकी बेटी किस तरह से इंसाफ के लिए ही न लड़े, तमाम लोगों के लिए जो हाशिए पे खड़े लोग हैं उनके साथ संघर्ष करती हुई नजर आए। नताशा जिस तरह से संघर्ष कर रही हैं, उसके पीछे किस तरह से उनके पिता का पूरा योगदान है, इसे हम देख पाए, तमाम लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाया उनके पिता महावीर के जाने के बाद। एक आध बार ऐसा हो जाता है, जैसे आई एम सराउंडेड बाय नेगेटिव फोर्सेस, इविल फोर्सेस, एंड नॉट फाइंडिंग ए वे आउट टू दिट। अगर मान लो मेरी बेटी को बहुत लंबे टाइम जेल में रहना पड़ा और एक वक्त आएगा मेरे को देख ही ना पाए, ग्रोइंग एज मैं ना देख पाऊँ, इस तरह के थॉट कई बार आते हैं। उसको नहीं आएंगे, उसको आने भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि कोई खुशी का माहौल तो है नहीं। हम तो अपना गम दबा लेते हैं कुछ कुछ बोल के इसलिए तो जो आकाश है उसके कमरे को टाइडी रखता है। जब वो आएगी तो उसका कमरा ठीक ठाक मिलना चाहिए। जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वह कितनी क्रूर हो गई है, कितनी नृशंस हो गई है कि एक कोरोना से वेंटिलेटर पर बीमार पिता अपनी बेटी से मिल नहीं पाया। यह इच्छा वह सीने में लेकर चला गया, जबकि हम जानते हैं कि आज के दौर में दाभोलकर के हत्यारे बेल पर हैं। तमाम लोग जिन्होंने खुलेआम हत्याएं की हैं उन्हें जमानत मिली हुई है, लेकिन नताशा को, जिन्हें दिल्ली दंगों के मामले में हमारा मानना है कि फंसाया गया, यूएपीए लगाया गया, वह जेल में थी, लेकिन बीमार पड़े मृत्युशैया पर इंतजार कर रहे पिता से मिलने की इजाजत नहीं मिली। मरने के बाद अदालत ने उन्हें बाहर किया। जिस समय देश में कोरोना से मरने वालों का सही सच्चा आंकड़ा हमारे सामने नहीं आ रहा, सरकारी आंकड़ों पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं, क्योंकि चाहे वो कानपुर हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, दिल्ली हो, बिहार का कोई भी शहर हो, कर्नाटक का कोई शहर हो, गुजरात हो, यानी पूरा का पूरा देश, हर जगह सरकारी आंकड़े अगर 4 मौत बताते हैं, शमशान घाटों में उस दिन 200 से ऊपर लाशें जली हुई मिलती हैं। यह सब कुछ जिस समय हो रहा है उस समय सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, नीतीश सरकार हो, वह सिर्फ सच को दबाने, अंदर मटिया मेट करने पर लगी हुई है। जो लोग सच सामने ला रहे हैं उनके खिलाफ FIR हो रही है। उत्तर प्रदेश ने मिसाल कायम कर रखी है। पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ उसने FIR दर्ज की। कारण, उनका कहना है कि यह सोशल मीडिया पर झूठ प्रसारित कर रहे हैं। अब देखिए झूठ क्या है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिस वीडियो में कोरोना मरीज के परिवार उसकी लाश को नाले में पाते हैं। यह घटना प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस की है। इसे
सरकार ने बताया, योगी सरकार और वहां के प्रशासन ने बताया कि यह फर्जी है, यह पिछली बार के कोरोना की है, इस बार के कोरोना की नहीं है। उस पे आईएएस अधिकारी ने जवाब दिया कि यह झूठ नहीं है, यह सच्ची घटना है जो परिजनों ने सार्वजनिक की है। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि वह लगातार ऑक्सीजन की कमी पर सीधे सीधे योगी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि किस तरह से योगी सरकार का यह बिल्कुल स्टैंडिंग ऑर्डर है कि कहीं से भी कोई अस्पताल, कोई व्यक्ति अगर ऑक्सीजन की कमी के बारे में बात करे, सोशल मीडिया पर डाले, तो उसके खिलाफ FIR हो। लखनऊ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ FIR अभी कुछ ही दिनों पहले हुई। वजह, उसने नोटिस बोर्ड पे लगाया कि उसके पास ऑक्सीजन खत्म हो गई। ठीक इसी तरह से पिछले महीने एक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हुई। क्यों? क्योंकि उसके दादा की हालत बहुत खराब थी, वो ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे सोशल मीडिया पर, और यह नजारा अब तकरीबन देश के हर कोने में दिखाई दे रहा है। आवाज उठाने वालों के खिलाफ FIR करने में डबल इंजन की सरकार, चाहे योगी की हो या नीतीश की, डबल इंजन यानी केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार, तो बिहार की सरकार भी पीछे नहीं है। हमने अभी अभी देखा कि किस तरह से जनाधिकार पार्टी के जो प्रमुख हैं पप्पू यादव, उनके खिलाफ FIR की गई। FIR इसलिए की गई, कारण यह बताया गया कि वह लॉकडाउन के कानूनों का, नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। बड़ी हैरानी की बात है कि पप्पू यादव के खिलाफ बिहार की पुलिस FIR तब दर्ज करती है जब वह उजागर करते हैं कि किस तरह से भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी अपने घर दफ्तर में 40 एम्बुलेंस छुपा कर रखे हुए हैं। वह खुद वहां पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ और उजागर करते हैं कि ये सारी एम्बुलेंसेस जो खड़ी हुई हैं, जितनी एम्बुलेंस वहां पे मौजूद हैं, उनको जनता की सेवा में लगा होना चाहिए था, लेकिन वह सांसद के पास रखी हुई हैं, ढक के रखी हुई एम्बुलेंस हम सब ने देखी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हुआ, जहां पर वो एक एक जाकर एम्बुलेंस के ऊपर जो कवर है उसे हटाते हैं। इसके बाद जवाब में भाजपा सांसद कहते हैं कि उन्हें इन एम्बुलेंस को अंदर इसलिए रखना पड़ा, इसलिए इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ड्राइवर नहीं थे। पप्पू यादव इसका भी जवाब देते हैं और 35 से 40 ड्राइवर को मौजूद करते हैं। बिहार सरकार, केंद्र सरकार निश्चित तौर पर इस खुलासे, इस उजागर करने वाले तथ्य से बौखला जाती है, और तथ्य हमारे सामने है। इस समय उनके खिलाफ मामला बन चुका है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और भी क्या क्या, कहां कहां, किस तरह से हो रहा होगा बिहार और उत्तर प्रदेश में, यह हम सब बताने लायक स्थिति में भी नहीं है। इस तरह के अनगिनत घोटाले, अनगिनत मानवता के खिलाफ अपराध हमारे सामने आ रहे हैं। गुजरात में हमने देखा कि किस तरह से जरूरी दवाइयां भाजपा अध्यक्ष ने अपने कब्जे में कर रखी थी। महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस और उनकी पूरी टीम दवाइयों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। पंजाब से भी वही खबर हमारे सामने आई है कि नकली रेमडेसिविर जो एक दवा है उसकी में किस तरह से भाजपा और तमाम जो संघी ब्रिगेड है वह लगी हुई थी। सब कुछ सबके सामने हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि इन तमाम चीजों पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें घनघोर आपराधिक चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखिए, दोनों जगह पे जो डबल इंजन की सरकार है, इस तरफ योगी उस तरफ नीतीश, उनके बीच जो गंगा मैया बह रही है उसमें लाशें ही लाशें हैं। यह दृश्य हमारे आपके देखने की हिम्मत नहीं पड़ती है जो दृश्य इस समय गंगा मैया में है। लाशों का अंबार लगा हुआ है, ऊपर से चील गिद्ध नाच रही हैं, इधर बाकी जानवर इंतजार कर रहे हैं। ये सब लाशें भारतीय नागरिकों की हैं, जिन्हें जीने का हक था, सम्मान से जीने का हक था और सम्मान से मरने का हक था। नीतीश सरकार ने यह कहते हुए इसी गंगा मैया में हाथ धोते हुए कहा कि ये लाशें हमारी नहीं हैं, यह लाशें योगी जी के उत्तर प्रदेश से आई हैं, बनारस से, इलाहाबाद से।
आलम यह है कि मुख्यमंत्रियों को लगता ही नहीं है कि ये मरने वाले हम वतन लोग हैं। वो बताते हैं कि ये उस पार के लोग हैं, ये उस पार के लोग हैं, और लाशें लावारिस पड़ी हुई हैं। यह लाशें 100-150 लाशें हैं जिनको किसी तरह से निपटाने के लिए दलित समुदाय को लगाकर, डोम समाज के लोगों को मार पीट कर इन लाशों को किनारे लगाया जा रहा है, ढका जा रहा है, जल्दी जल्दी जलाने की कोशिश हो रही है। यह हम सबके रिश्तेदार हैं जिन्हें कायदे से अंतिम संस्कार का अधिकार था, लेकिन हम जानते हैं कि हर राज्य में, हर शहर में, हर गांव में शमशान में जगह नहीं है। हम जानते हैं कि लाशों को रफा दफा करने में अस्पताल लगे हुए हैं। इन लाशों की जवाबदेही निश्चित तौर पर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों को उठानी पड़ेगी। चलते चलते बेंगलुरु के पत्रकारों को सलाम। उन्होंने जो कर दिखाया, जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि रीढ़ क्या होती है, मीडिया की जिम्मेदारी क्या है, वह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। आज की तारीख में मीडिया भूल गया है कि उसे सत्ता से सवाल पूछना है, उसे विपक्ष या जनता से सवाल नहीं पूछना, सत्ता को अकाउंटेबल बनाना है। जिस तरह से संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद से सवाल पूछे गए, तेजस्वी सूर्या से सवाल पूछे गए, उसी तेजस्वी सूर्या से जिन्होंने कोरोना काल में, जिस समय कर्नाटक भीषण संकट को झेल रहा है, इस पूरे संकट को हिंदू मुसलमान नफरत में खेलने की कोशिश की थी, एक सेंटर में पहुंचकर मुसलमान जो इम्प्लॉयज हैं उनके नाम पढ़े थे और उन्हें एक स्कैम से जोड़ने की नापाक कोशिश की थी, उस पर जवाब मांगा बेंगलुरु के पत्रकारों ने। और आप देखिए इस पूरे संवाददाता सम्मेलन में किस तरह से डिफेंसिव हुए, लेकिन पत्रकार अपनी जगह से हिले नहीं। वह वही सवाल पूछते रहे कि आखिर किसने दी थी आपको इन मुसलमान नामों की लिस्ट। यह सारा का सारा मामला फर्जी था, यह सारा का सारा मामला प्रायोजित था। पूरे मामले को हिंदू मुसलमान में करके कोरोना को लेकर जो सरकार घिर रही थी उससे बचाने की कवायद थी। और शायद अगर दिल्ली के कॉरपोरेट मीडिया, बड़े बड़े घरानों के मीडिया के शीर्ष पत्रकार इस संवाददाता सम्मेलन को देखें, उन्हें देखना चाहिए, तो शायद वह टटोलने की कोशिश करेंगे कि उनकी रीढ़ कहाँ है। साथ ही साथ तेजस्वी सूर्या को भी इसलिए बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने अपने महान प्रधानमंत्री को फॉलो इस मामले में नहीं किया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 7 सालों में एक भी संवाददाता सम्मेलन एड्रेस नहीं किया, एक भी संवाददाता सम्मेलन संबोधित नहीं किया। वह तमाम चीजों के बारे में बात करते रहे, आम खाने से लेके सब कुछ मन की बात करते रहे, कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपनी अकाउंटेबिलिटी देश के नागरिकों के प्रति, देश के मीडिया के प्रति इतने सालों में नहीं दिखाई। ऐसा इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। शायद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जो फॉलो करते हैं तेजस्वी सूर्या को, अगर इस संवाददाता सम्मेलन को देखें तो शायद हो सकता है उन्हें याद आए कि देश की जनता और देश की मीडिया से भी सवाल जवाब करना, पूछना, उनके प्रति उनकी जवाबदेही कुछ बनती है। हम इसी तरह से आपकी मदद से न्यूज़ क्लिक पर सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि देश की सरकार देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। इस घनघोर संकट में भी सरकार का जो पूरा का पूरा रवैया है वह जन विरोधी है, और इस पर हमारा और आपका उत्तेजित होना, गुस्से में होना और सरकार को कटघरे में खड़ा करना हमारा आपका संवैधानिक हक है। शुक्रिया। You